मैं तो कहता हूं क्यों परेशान हो रहे, आप अन्य राज्यों से यहां आए हुए हैं, रहो यहां हमारे साथ रहो, एक संकट है, चुनौती है, चुनौती का सामना हम सारे मिलकर करेंगे, आप क्यों डरते हो, कोई घर जाने की आवश्यकता नहीं। और हमें कोई खुशी नहीं हो रही कि आपको घर में लॉक करके रखे, किसी को खुशी नहीं, किसी को इसमें आनंद नहीं हो रहा है। आप आए हो, हमारे राज्य में हो, हम आपकी पूरी आपका ख्याल रख रहे हो, तो आप चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज आज जे घडलं बांद्रा स्टेशनच्या इकडे, सगळीकडे त्याची एक बातमी आहे, घडलं। ह्याचं कारण असं, त्यांना असं वाटलं की 14 तारखेनंतर ट्रेन सुरू होतील आणि ट्रेन सुरू झाल्यानंतर आपल्याला घरी जाता येईल। असं काही नाही की त्यांना आपण काही देत नाही आहोत, आणि सगळं त्यांना व्यवस्थित देतो आहोत, उलट जर कुठे काय आणखीन कमी पडत असेल तर तेही आपण करतो आहोत। पण कोणीतरी एक आपलं पिल्लू सोडलं असेल कदाचित की आजपासून परराज्यातल्या ट्रेन सुरू होत आहेत, त्याहीबद्दल मैं केंद्र से बात कर रहा हूं, मेरी केंद्र सरकार से बात चल रही है। और कोई नहीं चाहता कि आप आपके मर्जी के खिलाफ कहीं ऐसे लॉकअप में पड़े हो। लॉकडाउन मतलब लॉकअप नहीं है, ये अपना ही देश है, और आप जैसे आप घर जाना चाहते हो, आप मेरे राज्य में हो, महाराष्ट्र में हो, आप सुरक्षित हो, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा तो मैं ही नहीं, पूरे केंद्र भी, केंद्र सरकार भी आपकी व्यवस्था करेगी। तो अब समय है चुनौती का सामना करने का, मुकाबला 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 करने के लिए कोई हिंदुस्तानी पीछे नहीं हटता। आप हिंदुस्तानी हो, कोई डरने की बात नहीं है। महाराष्ट्र पूर्ण तुमची काळजी घेत आहे, इतर राज्यात इतर राज्यातले लोक, जसं इतर मुख्यमंत्री काही महाराष्ट्रातले लोक तिकडे असतील त्यांची काळजी घेते, तसंच ह्या सगळ्या लोकांची काळजी हा आपला महाराष्ट्र आपलं सरकार घेतंय।